हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सब मस्त हो, खुश हो। तो भाई, आपको दिवाली व्लॉग कैसा लगा आप बताना कमेंट में भाई। और अगर ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो वो भी बताना, मैं बना दूंगा डेली व्लॉग भी, कोई मेरे को इशू नहीं है। और भाई, आज जा रहे हैं अपनी कार में डैश कैम इंस्टॉल करवाने। ये मैंने अमेजोन से मंगा लिया था, पैकेजिंग मैं खोल ही चुका हूँ इसकी। पहले 70 mAh का मंगाया है मैंने, आपको पूरी डिटेल वीडियो दूंगा इसमें, आप बने रहे। चलो चलते हैं भाई इसको लगवाने। पहले अपने कार इम्प्रेशन पे जा रहे हैं भैया के पास, देखते हैं कितने टाइम में इंस्टॉल होता है। भाई, आज तो पूरी मार्केट ही बंद है भाई, कार इम्प्रेशन भी बंद है अपना। तो भाई, भाई की तो दुकान आज क्लोज्ड है भाई, मैंने कॉल नहीं किया आने से पहले। तो अब देखते हैं, कोई शॉप और खुली मिलती है तो वहां से इंस्टॉल करवाते हैं। आज वीडियो तो कम्प्लीट करनी है भाई डैश कैम की। अगर कोई भी शॉप खुली नहीं मिलती है तो भाई खुद ही इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ट्राई कर सकता हूँ भाई खुद ही करने की, पर पहले देखते हैं। प्रोफेशनल बंदे भाई प्रोफेशनल होते हैं, पहले शॉप देखते हैं कोई खुली मिलती है। तो भाई, काम शुरू हो चुका है अपनी कार में डैश कैम लगने का। भाई, सारी दुकान आज पूजा थी ना तो बंद थी, तो अंकल ने हाँ भरी है काम करने की और बोल रहे हैं बढ़िया काम करके दूंगा। तो देखते हैं भाई, अभी कर रही है, प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। अभी वायरिंग हो रही है पहले। वह पेस्टिंग सीट भी मिलती है इसमें, कंपनी दे रही है पीछे से, यहाँ शीशे पे लग के फिर ये चिपक जाएगा। भैया चिपका रहे हैं बढ़िया डाल, पूरा रिव्यू बताऊंगा भैया का काम करनी चाहिए भैया थोड़ा। हाँ ठीक है, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड थोड़ा हाँ बस हाँ अब ठीक है, बस बन गई बात। ये तो आपका एडजस्टमेंट करने के दे रखे हैं। हाँ वो तो हो जाएगा, उसकी तो कोई ऊपर ऊपर खाने में बिल्कुल चौरस में लगा दो। हाँ इसका निशान पे ले रहा हूँ। हाँ लग चुका है भाई, अभी ये ऑन होएगा मेमोरी कार्ड लगा के, है ना भैया? मेमोरी कार्ड लाएंगे मार्केट से, फिर लगाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको दिखाएंगे, इसके फंक्शन भी दिखाएंगे, यूज़ भी दिखाएंगे। मेमोरी कार्ड ले लिया है, अब शूट लोकेशन पर चलते हैं, इसमें मेमोरी कार्ड डालते हैं, फिर आपको दिखाएंगे इसकी क्लैरिटी कैसी है और फंक्शन बताएंगे आपको। तो भाई, आपको आज लोकेशन कुछ अलग मिलेगी देखने के लिए। आज के वीडियो वाली पार्किंग में नहीं है, डैश कैम इंस्टॉल हो चुका है अपनी कार में, यहाँ से आपको दिख ही रहा है। आपको अभी डिटेल देते हैं इसके बारे में, कौन सी कंपनी का है, कैसे मंगाया मैंने, आपको सब दिखाते हैं, इसके फंक्शन दिखाते हैं सब। चलो फिर, कार की डायरेक्शन चेंज करी है भाई, वहाँ से सनलाइट आ रही थी इसलिए भाई 70 mAh का मंगाया है मैंने। ये भाई स्क्रीन वाला मॉडल है, एडास भी है भाई इसमें, देखो ये तो इसका व्यू आ रहा है। थोड़ा सा भाई मैंने है ना थोड़ा सा साइड में लगवा दिया, ये थोड़ा सेंटर में होता तो ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पर यार मेरे ये स्टैंड था इसलिए मैं नहीं लगवा पाया। और भाई देखो, कोई वायर नहीं दिख रही है आपको, यहाँ कनेक्ट नहीं हुआ है ना, यहाँ हुआ है कहीं पर भी नहीं है, अंदर ही इसको सेट कर दिया है भाई ने, हिडन वायर है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कहीं आपको वायर दिखेगी या कुछ दिखेगा, बिल्कुल सेट है। और भाई ये इसकी सेटिंग्स का ऑप्शन है, ये वीडियो सेटिंग, ये सिस्टम सेटिंग है, ये इसका कुछ ऐसा व्यू है, ऐप से भी चलता है, ये ऐप भी दिखाऊंगा आपको, ऐप कैसा वर्क करती है। अब आप सेटिंग में चलते, सिस्टम सेटिंग खुल गया। सिस्टम सेटिंग में भाई वाईफाई हॉटस्पॉट से जैसे फ़ोन एप्लीकेशन है ना वो कनेक्ट होती है इसकी। हम नीचे आ जाते हैं तो पावर ऑन ऑन वाईफाई सेटिंग, ये तो वही सेम है। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करना है ऑफ करना है, एडास भाई एडास भी है इसमें, स्क्रीन सेवर, वो मेरे हिसाब से डिस्प्ले बंद होती होगी इसमें, स्क्रीन सेवर में। स्पीकर वॉल्यूम जो ये टून टून आवाज़ आ रही है ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो ऑफ व्हेन स्टॉप भाई इसमें चलते हैं सेटिंग में, डू नॉट टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली, ऑटो ऑफ इन 20 मिनट भाई, 10 मिनट कर लेते हैं ना, इसको 10 मिनट कर दिया है। सिस्टम टाइम वगैरह सब आ गया इसमें, लैंग्वेज, ड्राइविंग ड्यूरेशन अलर्ट, इसमें भी काफ़ी चीज़ है भाई। बैक चलते हैं, अब चलते हैं वीडियो सेटिंग में, वीडियो सेटिंग ओके, इमरजेंसी वीडियो
ओ नाइस। अच्छा भाई कुछ भी ऐसे होएगा ना तो इमरजेंसी वीडियो ऑन हो जाएगी खुद ही, बंद भी रहेगा जब भी। ये अच्छा फीचर है, ये रख लेते हैं। टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग, वीडियो स्टोरेज, वीडियो रेजोल्यूशन फुल एचडी कर रखा है भाई मैंने तो। भाई इसमें तो यही कुछ वो है, आप फोटो सेव भी कर सकते हो, जो कि जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो सेव भी हो सकता है इसमें, कैमरा बैकअप वगैरह में। देखो भाई यही रीजन था कि मैं इस साइड ना लगवाऊं, क्योंकि देखो व्यू बिल्कुल क्लियर चाहिए ना ड्राइविंग के टाइम, तो इसलिए मैंने इस साइड नहीं लगवाया। ये को पैसेंजर साइड लगवा दिया तो मेरे को व्यू दिखता रहेगा। इसका कोई काम नहीं है भाई, रिकॉर्डिंग का ही काम है बस, और बाकी तो ऐप से ऑपरेट होना है, तो मैं इस सीट पे ही बैठ के कर सकता हूँ जो भी ये करना है, तो इसलिए मैंने उस साइड लगवा दिया ये भाई। और वायर कुछ नहीं दिख रही है, देख लो फिर दिखा रहा हूँ, ना पीछे ना आगे, बिल्कुल इनबिल्ड कर दिया है, ऐसे लग रहा है कंपनी से ही आ रहा है। और वैसे यार महिंद्रा या फिर और भी कंपनियां इतनी महंगी कार है, ये चीजें देनी चाहिए कस्टमर जब और पैसे देने के लिए तैयार है, तो कंपनियां ये चीज देती क्यों नहीं है? कंपनी को ये चीज देनी चाहिए ना, नहीं पता क्यों नहीं दे रही कंपनी। भाई पैसे ले लो और दो हमारे, ये कोई ये फ्री में मांग रहे हैं, तो भाई महिंद्रा तक भी पहुंचाओ ये बात। तो भाई शूट लोकेशन से निकल लिया हूँ, क्योंकि भाई दूसरा फ़ोन चाहिए था, ऐप दिखानी थी आपको, तो ऐप भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो भाई नीचे देखो कॉर्नर में टाइम और डेट आ रहा है, स्पीड भी आती है भाई कार की क्या स्पीड है, और भाई ये कंपस सा भी आ रहा है एक, देखो आप नोट 28 वगैरह, तो भाई काफ़ी डिटेल आती है। कल में कोई एक्सीडेंट हैपनिंग होती है तो आप दिखा सकते हो रिकॉर्ड में, भाई मेरी देखो स्पीड इतनी थी, और या फिर मैंने रेड लाइट क्रॉस नहीं करी, या फिर कोई रूल ब्रेक नहीं किया है, आप चेक कर सकते हो। तो उस सेफ्टी पर्पस के लिए भी, यार कोई कार हिट एंड रन करके भाग जाती है तो उसके भी नंबर नोट हो जाते हैं लगभग कैमरे में, तो आप उस नंबर से ट्रेस करवा सकते हो, कंप्लेंट करवा सकते हो। भाई काफ़ी फ़ायदे हैं इसके, ऐसा बात नहीं है, और आज की डेट में तो सब कारों में होना चाहिए भाई, क्योंकि माहौल ऐसा ही है। तो चलो भाई आपको मैं ऐप का कंसोल दिखाता हूँ, इसका कैसा कंसोल है ऐप का। तो भाई कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है ऐप का, यहाँ से फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, अभी ये लाइव चल रहा है देख लो, ये फ्रंट है ये इसमें शो हो रहा है ऐप में, और इसकी सेटिंग्स खोलते हैं हम यहाँ से, तो सारी सेटिंग्स मिल जाती है हमें। ये वाईफाई ऑन, अब ये ऑन ही रहेगा, वाईफाई वाईफाई से कनेक्ट रहती है भाई, रिकॉर्डिंग भी ऑन है, सब कुछ ऑन कर रखा है मैंने, आप देख लो स्पीकर की वॉल्यूम वगैरह। ये भाई रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन 2 मिनट, मतलब 2 2 मिनट की क्लिप सेव करेगा, ये ज़्यादा लोड नहीं रहेगा इसलिए ऐसा है। और हम आ जाते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और तो भाई यही सब कुछ है जो मैंने आपको वीडियो में समझाया ना, फॉर्मेट कर सकते हैं मेमोरी कार्ड वगैरह, और इसको भी कंपनी रीसेट कर सकते हैं। मेन तो आपको यही दिखाना था भाई, देखो ऐप में ये चलता है, देखो कनेक्टिंग आ गया, ये लाइव आ रहा है ऐप में। अगर हमें अपनी रिकॉर्डिंग चेक करनी है भाई कहाँ पर सेव हो रहा है, तो एल्बम में जाएंगे, ओके करेंगे, तो ये देखो नॉर्मल वाला फोल्डर अलग है, इवेंट का अलग है, पार्किंग अलग है, टाइम लैप अलग है, फोटो अलग है। तो भाई नॉर्मल वाले में देखो ये सारी वीडियो फुटेज सेव हुई है अभी तक, जब तक मैंने इंस्टॉल करवाया है, जब मेमोरी कार्ड डालने के बाद, भाई मेमोरी कार्ड डलता है इसमें जब ये सेविंग करता है मेमोरी, तो भाई मैं अभी इसमें क्लिप चला देता हूँ, इसमें कोई सी भी आप क्लैरिटी भी चेक कर लो कैसी आ रही है, तो आप देखो इस वीडियो को पूरा। भाई YouTube पे फर्स्ट स्कॉर्पियो N जिसमें अपना ये डैश कैम लगा है 70 mAh का,
एडास वाला भाई, एडास हो गया है कार में, एक किस्म का लगा लो, एडास डैश कैम है भाई ये। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना भाई। ऐसे ही भाई मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही प्यार करते रहो। अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा आप सबके लिए।